हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। को बताने वाला हूँ इस हैलोजन बल्ब के बारे में। ये हैलोजन डालने से क्या प्रॉब्लम होती है और क्या नहीं होती। ये हैलोजन बल्ब का ब्राइटनेस सब डिम होने लगता है ऐसे कुछ साल गुजरते हुए। 3 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता इसका। 3 साल के ऊपर होने के बाद इसका फोकस भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाता और ब्राइटनेस भी कम होने लगता है। जैसे कि स्प्लेंडर बाइक में आप लोगों ने देखा ही होगा, चालू करने के बाद इसका हेडलाइट एकदम डिम होता है। ऐसा साल गुजरते गुजरते ऐसा होने लगता है। डिम होने का प्रॉब्लम क्या है कि बल्ब का वीकनेस भी हो सकता है और बैटरी का भी वीकनेस हो सकता है। आप क्या कीजिए कि बैटरी को एक बार चेक कीजिए। 3 साल के ऊपर जाने के बाद उसका डिस्टिल वाटर या सब कुछ कम हो जाता है। इसके वजह से भी इसका ब्राइटनेस डिम होने लगता है और बल्ब का भी ब्राइटनेस कम होता है कि इसका साल 3 साल के ऊपर गुजरने के बाद ऐसा होने लगता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेरा गाड़ी का हेडलाइट भी कुछ डिम दिख रहा है मुझे। इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आगे खड्डा हो तो भी नहीं दिखता और कुछ ठहरा भी हो तो भी नहीं दिखेगा। इसके लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।